हेलो क्लास एट स्टूडेंट दिस इज योर बुक नेम इज जीना एंड पब्लिकेशन इज स्कॉलर जॉन ओके और अब तक इस बुक के हम चैप्टर एट तक रीड कर चुके हैं और अब देखेंगे लेसन नंबर नाइन पॉन्स आर लाइफ लाइन ओके पॉन्स हमारी जीवन रेखा पॉन्स में क्या होता है बच्चों यस yes, वाटर होता है वाटर हमारे लिए एसेशनल है क्योंकि बिना पानी के हम रह नहीं सकते हैं इसलिए कहा गया है पॉन्ट्स आर लाइफ ओके चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगेन एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंट ये आपके अनुभव हैं राइट ट्रू और फॉल्स ठीक है अब सबके अनुभव सबके एक्सपेरिमेंट एक जैसे नहीं हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं और कुछ एक जैसे भी हो सकते हैं तो आई विल रीड द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू अमेजर्न दिस इज राइट और रॉन्ग इट मींस दिस इज ट्रू और फॉल्स ओकेट इट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम वैन वी यूज वाटर इट बिकम डर्टी ओके जब हम पानी को यूज़ करते हैं तो वो गंदा हो जाता है यस बच्चों टेल मी इट इज़ ट्रू और फॉल्स फॉल्स ओके बट देखो बेटा इसमें पानी को यूज़ कई तरीके से हो सकते हैं जैसे जस्ट लोग मान लेते हैं कई लोग रिवर के किनारे जाते हैं और वो कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो डेफिनेटली वो डर्टी हो जाता है अगर हम पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं तो वो डर्टी नहीं होता है तो सबके अपने अपने ओपिनियन हैं जो भी है वो अपने बताएंगे वैन वाटर इज़ हीटेड इट इज़ फिनिश जब पानी हीट होता है तो वो क्या ख़त्म हो जाता है ये क्लास एट है और बच्चे आप लोगों का इतना माइंड आपने साइंस भी पढ़ा है तो बताइए पानी जब हीट होता है तो क्या फिनिश हो जाता है नो no, यस yes. क्या होता है वाटर पेपर बनता है वैन वे बॉयल वॉटर इट बिकम आइस जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो वो आइस बन जाती है नो no. आ तो नहीं बनती है ना यस डी वाटर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ गंदा पानी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है वी मस्ट क्लीन वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग इट हमें पानी को जरूर साफ कर लेना चाहिए इसे पीने से पहले यानी कि पानी को पीने से पहले हमें इसे जरूर साफ़ कर लेना चाहिए व्हेन वाटर इवेपरेट्स ऑनली प्योर वाटर बिकम अ गैस वैन वाटर ईवेपरेट जब वाटर क्या होता है ई होता है ऑनली प्योर वाटर भी कम गैस तो क्या क्या उसमें से प्योर वाटर ही गैस बन जाता है नहीं गैस तो सारे वाटर बन सकते हैं आइस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ वाटर आइस जो है एक की वाटर की फॉर्म नहीं है आप तो ये क्लास थर्ड से ही पढ़ के आए हो कि वाटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं सॉलिड लिक्विड और गैस तो हमारा जो आइस है वो कौन सा फॉर्म है बच्चों गैस सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म हमेशा क्या वो ये वाटर गिक फॉर्म नहीं है यस yes, है ठीक है पढ़ते हैं हम आगे की तरफ हमारे चैप्टर की ओके विच एवर स्टेट और रीजन यू लिव इन इफ यू लुकड अराउंड यू यू वुड हार्डली फाइंड अबॉन्टेड कह रहे हैं आप चाहे जिस भी स्टेट में रहते हो या कहीं भी आप रहते हो अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो बड़ी ही मुश्किल से आपको कोई पोंड मिलेगा है ना इफ यू आस्क योर फादर अबाउट पॉन्ड्स अगर आप अपने पापा से पॉन्ड्स के बारे में पूछोगे वो टैल यू डैट दे अवर सेल्फेयर इन द एरिया वैन ही वॉज अ चाइल्ड तब आपके पापा कहेंगे कि हाँ हमारे एरिए में जब मैं छोटा था तो बहुत सारे पॉन्ड थे इफ यू आज यूर ग्रैंड फादर ही वुड कन्फर्म डायट द इंटायर एरिया डॉटेड विद्यूमस पॉन्ड्स ऑन प्रैक्टिकली इवन अपॉन एरिया सॉरी ओपन एरिया ओपन एरिया और जब आप अपने दादाजी से पूछोगे तो वो कहेंगे कि पूरा एरिया ही तालाबों से भरा हुआ था पॉन्ड्स प्ले अ वाइट्रो रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इरीग्रेशन एंड कीपिंग द अंडरग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन्ड एट दैटिस्फैक्ट्री लेवल पौंड हमारी पौंड uh, एक वाइटर रोल प्ले करते हैं पानी को बचाने में ठीक है पानी को बचाने में पौंड एक वाइटर रोल प्ले करते हैं जब पानी रहेगा पौंड में तो उससे क्या होगा इरीग्रेशंस होगी लोग सिंचाई के लिए काम में लेंगे और जो अंडरग्राउंड वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं ना जमीन के नीचे पानी उसका लेवल मेंटेन रहता है दे आल्सो प्ले अ वाइटर रोल इन इकोसिस्टम और ये इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थित तंत्र में भी अपनी भूमिका निभाते हैं कौन पॉन्ड्स यस वन्स देयर वन न्यू मैस पॉन्ड अराउंड अस वेयर हैव दे ऑल वैनिश के एक समय हुआ करता था जब हमारे चारों तरफ बहुत सारे पौंडस हुआ करते सारे के सारे हो गए कहा गायब हो गए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर पौंड हमारे कहा चले गए एज पर एन एस्टिमेट देर अराउंड टू पॉइंट फोर मिलियन पौंडस इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन फोर्ट 1947 यानी हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में तो एक एस्टिमेंट है ये एक आ, अनुमान लगाया गया कि हमारे देश में लगभग 2.4 मिलियन पॉन्ड्स थे दीज पॉन्ड्स वर फील्ड विथ रेन वाटर और ये जो पॉन्ड्स थे ये सारे के सारे बारिश के पानी से भरे हुए रहते थे सेव्ड द ग्राउंड एंड रिचा रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर और ये क्या करते थे ये पानी जो पानी सीप करते थे यानी कि पानी अंडरग्राउंड में जाता था और हमारा जो अंडरग्राउंड लेवल था वाटर का वो रिचार्ज हो जाता है इसका मतलब वो बैलेंस बराबर रहता था पानी जमीन के अंदर पहुंच जाता था विद द ऑफ पॉन्ड और जब पानी सॉरी जब पॉन्ड डिसअपेयर हो गए यानी कि गायब हो गए वैनिश हो गए एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर हैज़ रिजल्टेड तो क्या हुआ बच्चों इससे इससे बहुत अधिक शोषण हो गया बहुत अधिक शोषण किसका हो गया अंडरग्राउंड वाटर का ठीक है ग्राउंड वाटर हैज़ रिजल्ट क्यों हो गया जब ये वैनिश हो गए बच्चों तो पानी उसमें उसका जो लेवल था जिससे पहले था वो वैसा नहीं रहा एक तरीके से आप मान के चलिए कि uh, नील सा होने लगा ड्यू टू विज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज गोइंग डाउन और इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगा अलार्मरिंग ठीक है और ये एक हमारी एक चिंता का विषय हो गया कि पानी क्या हो रहा है कम हो रहा है ना इन टू थाउजेंड 2001 वन इन अ सर्वे ठीक है एक सर्वे किया गया एक निरीक्षण किया गया 2000 और 2001 वन में इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ पॉन्ड हैज ड्विंडल्ड ग्रेटली ड्विंडल्ड मींस आप सूख जाना या कम हो जाना ठीक है तो जब टू Uh, 2001 में एक निरीक्षण किया गया सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे जो पॉन्ड्स हैं वो सूख गए हैं ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा तेजी से आप इस तरह से बोल सकते हो कि इस तरह के पौंडस जो हैं सूख गए हैं लिविंग ओनली अबाउट ज़ीरो पॉइंट फाइव मिलियन ऑफ दाम अब उसमें से केवल कितने बच्चे हैं जीरो पॉइंट फाइव और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कितने थे बच्चों देखो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फोर मिलियन इतने लैग थे और अब केवल इतने से बचे हैं दीज पॉन्ड आर रेपिडली डिसंग टू सर्वियल काजेस अब इसके जो पॉन्ड हमारे जो गायब हो रहे हैं उसकी बहुत सारी रीजन हैं रीजन क्या है स्पेशली इंक्रचमेंट एंड गैदरिंग ऑफ सील्ट इंक्रचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण इनक्रचमेंट का मतलब क्या होता है अतिक्रमण के कारण और गैदरिंग द सील्ट एंड डस्ट इन द दील्ट मतलब होता है गाद जम जाना गाद मतलब एक तरफ जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा और डस्ट किस में जम गया हमारे पौंड में आसपास जम जाता है या आप पौंड देख रहे हो तो इधर चारों तरफ क्या होता है गाद जम जाती है जिसको सील्ट बोलते हैं इंग्लिश में और उसकी वजह से पानी क्या गंदा होने लगता है और पानी ऐसे सूखने लगता है तो उसको नहीं हटाते हैं तो पानी का लेवल बढ़ता नहीं है लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कम अपर दिस पॉन्ट इस्टूट वंस एक समय ऐसा था कि जहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी है ठीक है जहाँ पे ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वहाँ पर कभी तालाब हुआ करते थे यानी कि जहाँ तालाब हुए थे लोगों ने वहीं पर अभी देखिएगा आप कि किस तरह से उन्होंने इसको मतलब पूरी तरह से फिनिश करके और क्या क्या करना शुरू कर दिया तो बिल्डिंग खड़ी कर दी कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े कर दिए दिस हैज रिजल्टेड इन स्केसिटी ऑफ वाटर इन द ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री और इसकी वजह से इसका रिजल्ट ये हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के कई हिस्सों में पानी की कमी हो गई Especially in the रीज़न वेयर perennial रिवर आर नॉट there. Perennial का मतलब होता है कि जो नदियाँ कंटिन्यू बहती रहती हैं और कंटिन्यू कब बहती रहती, रहती हैं जहाँ अगर उनको बरसात का पानी जहाँ से मिलता है just लाइक like अगर आप देखोगे गंगा और जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं बर्फ से नदियाँ निकलती हैं तो उन वो पेरनल रिवर होती हैं जो कंटिन्यू होती हैं लेकिन वो एरिया जहाँ पर नदियाँ इस तरह की नहीं हैं तो वहाँ पर पानी की कमी होने लगी लाइक द रीजन लोकेटेड इन द प्लेटू रीजन जैसे कि पहाड़ी प्लेटू मतलब पठार वाले क्षेत्रों में वहाँ पर नदियाँ इस तरह से नहीं होती हैं तो वहाँ पर पानी की कमी होने लगी क्योंकि पौंड तो सारे डिसअपेयर हो रहे थे रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंस ऑफ पोंड इन टू थाउजेंड फाइव द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ स्कीम फॉर रिवाइवल फॉर पोंड्स थ्रू रिपेयर रीनिशन एंड रेनस्टेटमेंट अब हमारी जो सरकार है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रियलाइज़ किया कि पोंड्स कितने जरूरी हैं तो 2005 में उन्होंने एक स्कीम बनाई हमारे जो पॉन्ड्स हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए रिवाइवल मतलब पुनर्जीवित करने के लिए उसको दोबारा करने के लिए और कैसे उनको रिप, रिप, रिपेयर रिपेयर करके रीन करके और रेन स्टेटमेंट करके ठीक है स्टेटमेंट uh, का मतलब होता है बच्चों पुनर्स्थापना और uh, रिनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण या मरम्मत उसका करना ठीक है और रिपेयर तो आप जानते ही हो मरम्मत करना अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट हैड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टू प्रोवाइड मेजोरिटी ऑफ फंड अब इसमें क्या था स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसका प्रोजेक्ट तैयार किया इसको प्रोजेक्ट तैयार किया कि हाँ हमें किस तरह से इसको वर्क करना है और जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इसके लिए फ़ंड दे रही थी ठीक है पैसा दे रही थी तो बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं द वर्ल्ड बैंक टू शोड इंटरेस्ट इन द स्कीम और जो वर्ल्ड बैंक है जो यू एन ए की तरफ से जो बैंक है यूनाइटेड नेशन एक वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर एक वर्ल्ड बैंक भी है तो उसने भी अपना इंटरेस्ट इस स्कीम में दिखाया सो इट आल्सो एग्रीड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द इन्वेस्टमेंट और उसने कहा हाँ ठीक है हम भी इसमें क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके जो पॉन्ड्स हैं उसको फिर से हम uh, जीवित करेंगे विद दिस ऐड it is uh, it was planned to develop the infrastructure and uh, increase the capacity of pond at the local community level aur is tarah se isme kya add kiya gaya ki ab hum ek infrastructure taiyar karenge uska uska plan banaya gaya और अब ये कैपे ये हुआ कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अपने लोकल कम्युनिटी में आ, उसको इंक्रीज करने हैं ठीक है थेके?

दीज लेक इंक्लूड सरवेल फेमस वन इसमें हमारी कई जो फेमस लेक हैं जैसे कि डल लेक ऑफ श्रीनगर श्रीनगर की जो डल लेक है ठीक है और रानी तालाब ऑफ रीवा रीवा का रानी तालाब है वो भी एक पॉइंट है शिवपुरी लेक ऑफ शिवपुरी अमोंग और अदर और इस तरह से और भी और भी बहुत सारी लेक हैं जो एक टूरिस्ट अट्रैक्ट हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक, जो रिवर थी उसको क्लीनिंग करने का और साथ साथ में जो लेक थी उसको भी क्लीन करने का एक प्लान बनाया और जो लेक है ये आपको पता है फंड्स वर अलॉटेड फॉर रिमूवल ऑफ सिल्ट अब फंड दे दिया गया कि पैसा दे दिया गया कि आप मतलब जो भी उसका प्रोजेक्ट करने वाला था उनको दे दिया गया और उनको बोला कि आप इसको सिल्ट को हटाइए पैसा दे दिया बट द फाइंडिंग वॉज डिस्प्रेसिंग ऑल द मनी बीन साइफंड साइफंड का मतलब होता है बच्चों की कि किसी कंपनी जो भी कंपनी होती है ठीक है उसमें धन की चोरी कर लेना है ना जैसे मान लो हमने आपको पैसा दे दिया तो आपने उसको पैसे को लगाया नहीं उस काम में और उसको चोरी कर लिया रख लिया अपने पास में ओके साइफंड ऑफ इन करप्शन लेकिन आ, ये पाया गया कि सारा पैसा जो है वो कंपनी ने अपने उसके धन की चोरी कर ली ठीक है भला पैसा लगा नहीं करप्शन में ही भ्रष्टाचार में सब खत्म हो गया एंड द कंडीशन ऑफ दिस वाटर बॉडी डिड नॉट इम्प्रूव बिट और इन जो वाटर बॉडी थी जो लेक थे पोन्ट थे इनकी कंडीशन जरा सी भी इम्प्रूव नहीं हुई बिल वर रेजड बिल बना दिए गए फॉर डिगिंग आउट द सील्ड एंड कैरिंग इट अवे ठीक है अब बिल बन गए कि हमने इसको सील्ड को हटा दिया तालाब को और खोदा गया और उसको अवे कर दिया गया भेज दिया गया बट नो वर एवर अंडरटेकन इन फैक्ट लेकिन वास्तव में कोई काम हुआ ही नहीं था बस बिल बन गए उसमें हो गया कि हमने ऐसा ऐसा किया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एट सम हाँ, को खोदा भी गया हटाया भी गया बट इट वॉज लेफ्ट जस्ट आउटसाइड द पॉन्ड एंड लेक लेकिन उसको क्या कर दिया गया तालाब और लेक के किनारे पे छोड़ दिया गया जस्ट लाइक मान लेते हैं ये तालाब है हमारा और यहाँ पे सिल्ट है तो सिल्ट को यहाँ से हटा के सिर्फ यहीं पे रख दिया गया आप लोग देखते होंगे जब आते हैं नगर पालिका नगर निगम से जो भी स्वीपर आते हैं वो जब हमारी जो इस वो ड्रेन्स जो होती हैं जो सड़कों पे ड्रेन्स होती है उसको भी साफ़ करते हैं तो एक बार यहाँ रख के फिर उसके बाद उठा के उसको जो भी गंदगी रहती है ले जाते हैं लेकिन इसमें हुआ क्या यहाँ पर सील्ट जो निकाला यहीं पर रख दिया और उसको यहीं पर रहने दिया उसको हटाया नहीं यहाँ से तो जब यहीं छोड़ दिया एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट रेनफॉल और जब पर अगली बार बारिश आई द सिल्ड फ्लोड बैक टू तो द पॉन्ड और ये पूरा कचरा फिर वापस तालाब में चला गया इन समचुएशन रीमेड एज ग्रीम एज इट वॉज बिफोर गिविंग मनी और कंडीशन इससे भी ज्यादा और गंभीर हो गई जैसे कि पैसा नहीं देने से पहले थी और उस उतनी ही गंभीर हो गई जितनी कि पहले थी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव फेल टू क्रिएट न्यू पॉन्ट्स और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम नए तालाब बनाने में सफल नहीं हुए यानी कि हम फेल हो गए हम बना नहीं पाए नया तालाब ऑन द कॉन्ट्री द एक्टेक्टिंग पॉन्ड्स एंड द लेक हैव डिसेयर इन अ वेरी लार्ज नंबर और इसके विपरीत ये हुआ कि हमारे जो हमारे जो पॉंड और लेक था उनका अस्तित्व पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका था बड़ी संख्या में हमारे तालाब और हमारी जो झीलें हैं वो गायब हो चुकी थी लैंड माफियाज़ हैव लैंड फील्ड मोस्ट ऑफ टू सेल एंड लैंड एट वेरी हाई प्राइस बहुत से जो लैंड माफिया थे उन्होंने क्या किया कि आ, ये जैसे तालाब दिख रहा है ना आपको इसी को पूरी तरह से वो सूख तो रहा था और उसके अंदर पूरी तरह से मिट्टी वगैरह सब भर के उसको एक तरीके से प्लेन बना बना दी जमीन बना दी जमीन और उसको सेल आउट कर दिया हाई प्राइजेस में अर्निंग ब्लैक मनी और इस तरह से उन्होंने बहुत ब्लैक ब्लैक मनी कमाई अ लार्ज शेयर ऑफ दिस ब्लैक मनी वैन टू पॉलिटिशियंस और इसका बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटिशियन के पास जाता था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास जाता था एज वेल एज क्रिमिनल और यहाँ तक कि क्रिमिनल के पास भी जाता था क्योंकि जमीन है जमीन को हाई रेट में भेज दिया अगर अब देखिए पॉलिटिशन के बाद पे जाएगा तो भी वो कुछ नहीं करेगा उसको पैसा मिल रहा है इधर एडमिनिस्ट्रेटिव पास है उसको भी पैसा मिल रहा है लेकिन जो हमारी जो चीज़ें हैं वो तो धीरे धीरे गायब हो रही हैं पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है शहरों में इतना ज़्यादा हो गया अभी आप देख रहे होंगे जब रेनफॉल होता है तो कितना ज़्यादा फ्लड हो जाता है रास्ते ही नहीं रहते अगर पौंड होता तो वहाँ पौंड में पानी चला जाता अब देखिए कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है अटेंशन वॉज पे टू रिवाइवल ऑफ पॉन्ड एंड लेक अंडर द नेशनल स्कीम कॉल्ड मन अरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट ठीक है हमारे रेगा का फुल फॉर्म है अब ये हुआ कि तालाब और जो झीलें हैं उनको फिर से ठीक किया जाए फिर से पुनर्जीवित किया गया इस पर अटेंशन दिया गया और ये अब जो काम किसके अंडर था मन अरेगा के अंतर्गत था बट इन रियलिटी नथिंग सीम टू हैव मूड लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन कुछ हुआ नहीं ऑल दिस फैक्ट आर कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्ररी मतलब उसकी विपरीत द रियलिटी वॉज सिक्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी ट्रैकल्ड ऑनली वैन वी हैव पॉन्ड अराउंड बल्कि इसके विपरीत क्या थी सच्चाई ये थी कि पानी की क्या होने लगी कमी होने लगी जैसे हमारे चारों तरफ जब पानी था ठीक है तो चारों तरफ जब पॉन्ड थे तो ठीक था लेकिन जब पॉन्ड नहीं हुआ तो हमारी क्या हुआ पानी की इसमें कमी होने लगी एज अ सिचुएशन वो टर्न फ्रॉम ग्रीम टू ग्रीमर और जो हम जो कंडीशन थी जो स्थिति थी, थी वो विकट से विकट होती जा रही थी विथ ईच पासिंग डे यानी कि दिन प्रतिदिन कंडीशन विकट से विकट होती जा रही थी ग्रीम टू ग्रीमर मतलब विकट से विकट होती जा रही थी द डिसपेयरिंग पॉन्ड हैव ऑल्सो स्नेस्ड फ्रॉम पीपल दे आर सपोर्ट फॉर द क्रॉप द ग्रो ऑन द साइड ऑफ दिस पोंड और जब पॉन्ड डिसअपेयर हो रहे थे तो वो क्या कर रहे थे लोगों का रोजगार भी छीन रहे थे किस कैसे छीन रहे थे देखो पीपल दे आर सपोर्ट फॉर द क्रॉप्स अगर देखो जो लोग क्या करते थे uh, पॉन्ड के किनारे पे ही जो फसल उगाते थे तो उनको तो पानी नहीं मिल रहा है ना बच्चों अब जब पानी नहीं मिल रहा है तो उनकी फसल तो उगेगी नहीं जब फसल नहीं उगेगी तो फिर उसको सेल कैसे करेंगे जब सेल नहीं करेंगे तो बच्चों फिर वो खाएंगे पिएंगे क्या ठीक है तो उनका जो आजीविका का साधन था वो तो क्या हो रहा था स्नैच ही हो रहा था ना छिन जा रहा था उनसे दिस पॉन्ड आल्सो प्रोवाइडेड वाटर टू हाउस होल्ड लोकेटेड अराउंड दाम और जो आसपास जो रहने वाले जो लोग थे उनके लिए हाउस uh, होल्ड के लिए जो वाटर की जरूरत पड़ती थी तो ये पौंड ही उसको फुलफिल करते थे तो पौंड नहीं हो रहे तो उसका भी इफेक्ट पड़ा दिस पौंड वर रिच सोर्सेज ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक फिश सिंगाड़ा सिंगाड़ा जानते हो ना एंड लोटस स्टैम्प और ये जो पौंड थे ये uh, कई चीज़ों के प्रोडक्ट भी करते थे कई चीज़ें देते भी थे जैसे फिश दे दिए सिंगाड़ा दे दिए और लोटस uh, स्टैम्प जिसको हम लोग कमल ककड़ी बोलते हैं ठीक है एंड पॉटर टू गॉड दे क्लीव फ्राम दिस पॉन्ट और जो पॉटर थे पॉटर वो कुमार होते हैं जो बर्तन वगैरह बनाते हैं वो मिट्टी भी अपनी इसी पौट से ले जाया करते थे लेकिन अब जब पौंड नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबकी आजीविका में बहुत इफेक्ट पड़ा देअर डिसअपियरेंस हैज़ अर्बनाइजेशन हैज ओनली वॉसिन द सिचुएशन एज देयर इज हार्डली अब केवल डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा था बच्चों चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है नगरीकरण हो रहा है और तो गांव से लोग इधर आ रहे हैं और पौंड वगैरह देखिए शहरों में भी बहुत थे तो सारे के सारे क्या हो गए सिचुएशन ख़राब होती चली गई इस देर से हार्डली एनी प्लेस फॉर द पौंड इन सिटीज और सिटी में तो पौंड के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं थी तो जो पॉइंट थे थो सारे तो सारे क्या हो गए उसको तो एक प्लेन बना दिया गया और उसके बाद उसको सेल कर दिया गया। और कुछ जगह तो इतनी ज्यादा कंडीशन खराब कर दी गई कि जो पूरा जो कचरा है पूरी जो गंदगी है वो इसमें क्या बोलते हैं तालाबों में ही डंप कर दिया जाता है कचरा ऑफ लेट वी कैन सी सिटीज सफरिंग फ्लैश फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन अब हाल ही में हम ये देख सकते हैं कि जो सिटीज हैं उनको क्या हो रहा है जो बाढ़ वगैरह आती है रेनी सीजन में उससे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं ना दिस फिनोमिना कैन बी फाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री और ये घटना केवल एक सिटी में नहीं बल्कि हम पूरी कंट्री में देख सकते हैं देख सकते हैं द मेन रीजन फॉर इज डैट आ पॉन्ट्स हैव डिसेयर और सबका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे जो पॉन्ट्स हैं वो गायब हो चुके हैं डिसअपेयर हो चुके हैं एंड द पीपल हैव ऑल्सो इरेक्ट बिल्डिंग ऑन द रिवर और फ्लड प्लेन और जहां पर इस तरह से जो चीजें थी वहां पर क्या खड़ी हैं बिल्डिंग खड़ी हुई हैं वैन देअर इज नो प्लेस फॉर रेन वाटर टू गो अब जहाँ से फ्लड का पानी जाता था वहाँ पे तो बिल्डिंग खड़ी है तो फिर बारिश का पानी जाएगा कैसे इट कैन गो नो वेयर एज बट इंटर आर हाउस एंड स्ट्रीट काजिंग फ्लड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अब ये पानी बल्कि कहीं और नहीं जाएगा ये पानी हमारे घरों में घुसेगा हमारी गलियों में घुसेगा और फ्लड का कारण बनेगा और विनाश का कारण भी बनेगा हमारे जीवन का और हमारी प्रॉपर्टी का कारण भी बनेगा क्योंकि पानी जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है तो फिर वो पानी जाएगा कहाँ नहीं जाएगा है ना एंड वैन देयर इज नो रेन ठीक है और जहां पे बारिश नहीं है द एरिया बिकम सस्पेटीएपल तो वहां का जो अच्छा और टू ड्राउट ड्राउट मतलब सूखा तो वहां का एरिया क्या हो गया सूखा घोषित किया गया या सूखा पड़ गया क्योंकि बारिश है ही नहीं तो फिर कहाँ से होगा तो सूखा ही हो गया The occurrence of, of the which is increasing with each passing year और ये जो condition है ये हर साल बढ़ती ही जा रही है। Ponds protect us from flood as well as drought जो हमारे ponds से हमें flood से भी बचाते थे और drought से भी यानि कि सूखे से भी बचाते थे और बाढ़ से भी बचाते थे। If we don't care for them now, the situation would be become irreversible ठीक है तो इिस का मतलब होता है कि ना बदलने वाला कह रहे अगर हमने अपने पॉन्ड्स की केयर नहीं की तो जो कंडीशन है वो ना बदलने वाली होगी यानी कि कंडीशन ऐसी ही रह जाएगी ऐसे ही बाढ़ आती रहेगी ऐसे ही सूखा पड़ता रहेगा हाउ डिसअपेयरेंस ऑफ पॉन्ड हैज रिजल्टेड इन टू अनटोल्ड माइजरी ऑफ सॉरी फॉर इनहेबिटेंट कैन बी साइटेड फ्रॉम एन एग्जाम्पल गिवन बाय द पंकज चतुर्वेदी अभी कह रहे पॉइंट्स कैसे गायब हुए ठीक है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है मतलब जो वहाँ के जो लोग रहने वाले थे उनसे ही है और ये जो एग्जाम्पल दिया है उन्हें पंकज चतुर्वेदी जी ने उन्होंने बताया ये चीज़ रियल है उनकी एक बुक है उसका नाम है जल मांगता जीवन जल मांगता उसमें इन्होंने बताया है क्या बताया बच्चों देयर इज अ विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छतरपुर इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो पूरी तरह से वीरान है कैसा हो गया वो वीरान हो गया है कॉल्ड बानी तलैया जिसका नाम है बानी तलैया द वर्ड तलैया मीन्स पौंड तलैया का मतलब होता है बच्चों पोंड देयर वॉज ए लार्ज पौंड इन द व कह रहा एक समय था जहाँ पे उस गाँव में एक बड़ा तालाब हुआ करता था विच प्रोवाइडेड द विलेजर्स वाटर फॉर देयर ऑल देयर नीड्स और ये जो पौंड था ये पूरे गाँव को उनकी जो नीड्स थी नीड्स में सभी रहता है ना इंक्लूडिंग इरीग्रेशन हाउस होल्ड नीड्स जितनी भी चीज़ें थी उसके लिए पानी प्रोवाइड करता था इतना बड़ा तालाब था कि पूरे गांव का काम उससे हो जाता था एंड देन इन नाइनटीन सेवेंटीज और तब नाइनटीन सेवेंटीज में अ रेस ऑफ डेवलपमेंट बिगेन इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी और आधुनिकता के नाम पे एक विकास की रेस शुरू हो गई ठीक है एक विकास की रेस शुरू होने लगी कि हां भाई नई नई चीजें हो रही है डेवलपमेंट हो रहा है पीपल फॉर गेट टू मेंटेन द पॉन्ड अब पीपल जो थे लोग थे वहां पे वो पॉन्ड को मैंटेन करना ही भूल गए इस सिल्ट वॉज नॉट रिमूव फॉर ईयर और कई सालों तक इसकी जो सिल्ट है उसको रिमूव नहीं किया गया सो इट बिकम शैलो और ये शैलो होता गया यानी थुल सा होता गया अंदर मिट्टी 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 दलदल सा बन गया समझ लीजिए आप उसको एंड देन वन साइड ऑफ द पॉन्ड वॉज ब्रोकिन और एक तरफ से क्या हुआ एक तरफ से पॉन्ड जो टूट गया डू टू विच इट्स वाटर फॉलोड अवे विथ रेन वाटर और इसका पानी जो था वो रेन वाटर के साथ बह गया जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिल्ट वगैरह पूरी जमा हो गई और पानी बहुत तेज़ आया बारिश का वो ऐसे किया और फिर जितना भी जो इसका पानी था वो भी बारिश के पानी के साथ बाहर बह गया द पौ विच वॉज

द फॉर्च्यून ऑफ फेजर टू डिस्ट्रैक्ट और उनका जो गांव वालों का जो था भाग्य भी सूख गया डिस्ट्रिक मतलब वीरान हो गया वो सूख गया उनका भाग्य भी सूख गया भाग्य सूख गया देखिये द वॉटर लेवल इन दैल वेंट well डिस्ट्रिकली डाउन डिस्ट्रिकली का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा ठीक है और वाटर लेवल इन वेल्स वेंट डिस्ट्रिकली डाउन और जो कुएं का पानी भी था वो भी बहुत नीचे चला गया काफ़ी हद तक वो नीचे चला गया कम होता चला गया द सिचुएशन बिकम सो अलार्मिंग इन नाइनटीन और जो कंडीशन थी ठीक है एक खतरे की घंटी बजी 1919 में तब क्या हुआ द पीपल हैड डिस विलेज तब लोगों लोगों को गांव छोड़ के जाना पड़ा जाना ही पड़ेगा पानी नहीं था तो दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ वन विलेज अलोन ये केवल एक अकेले गांव की कहानी नहीं है सच में ये अकेले गांव की कहानी नहीं है पता नहीं कैसे इतने गांव थे जहाँ पानी की कमी थी और लोगों को गांव छोड़ना पड़ा ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ विलेज हैव सफर्ड एंड द लॉस्ट दियर इकोसिस्टम बिकॉज दे फेल टू लुक आफ्टर देयर पॉन्ट्स एंड दे दैम सेल्फ सफर टू तो सफर द कंसिक्वेंस ऑफ देयर निगलैंड ठीक है अब ये कह रहे हैं केवल एक गांव की कहानी नहीं है ये ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं जिनको खुद ही सफर करना पड़ रहा है क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि वो एक तो इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे करना है वो भूल गए और वो उनके जो पॉइंट्स थे उसको उसकी देखभाल कैसे करनी है उसको वो भूल गए और फिर वो उनको अपने आप तो सफ़र करना ही था और इसका परिणाम हुआ उनकी निगलेट यानी कि उन्होंने जब निगलेट कर दिया इग्नोर कर दिया तो उसका ये परिणाम यही हुआ कि पौंड सारे के सारे सूख गए पानी की कमी हो गई लोगों को गांव छोड़ के जाना पड़ा इफ़ यू सी ए पौंड और लेक ड्राइंग अराउंड यू कह रहे अगर आप देखेंगे देखते हैं कि आपके कोई भी चारों तरफ पौंड या लेक जो है वो सूख रही है यू मस्ट बी अलाम डैट इट इज़ नॉट द डैट ऑफ द पॉन्ड अलोन तो केवल ये नहीं है आपको ये विचार करना पड़ेगा ये अलार्म की एक घंटी है ये आपको देखना पड़ेगा कि ये केवल एक पॉन्ड की ही अकेले की मृत्यु नहीं हो रही है वही केवल मौत के सिस्टम में नहीं मौत में नहीं जा रहा है यानी कि उसी के अकेले की मौत है वो नहीं सूख रहा है इट इज़ आल्सो द डैट ऑफ इको सिस्टम ये इको एक सिस्टम की भी डैथ हो रही है डैट इज प्रोवाइड जो हमको प्रोवाइड करवाता है क्या करवाता है एंड इन द नियर फ्यूचर जो हमारा आने वाला भविष्य है यू वुड बी पोन टू इनक्रीज हर्स्ट आपको क्या होगा प्यास की प्यास आपकी बढ़ जाएगी लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा वाटर स्क्यूरिटी एंड द ग्लोबल वार्मिंग पानी की कमी हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी द सोनर वी रिवाइवर और पॉन्ट्स एंड लेक द बेटर इट वुड बी लीड अ गुड लाइफ और अगर हम अपने जो पॉइंट्स से उनको और लेख को पुनर्जीवित करते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो आगे बहुत अच्छी हो जाएगी ऑल सिटीजन विल हैव टू बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी जो सिटीजन हैं उन सबको ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सच ए वाइटल इशू कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन और हम इसको गवर्नमेंट की दया पे नहीं छोड़ सकते हैं केवल एक अकेली गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी गवर्नमेंट आप आपके पौंड को देखने डेली नहीं आएगी जो वहाँ के एरिया के जो लोग होते हैं उनको ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमें अपने पॉन्ड और लेक को कैसे सुरक्षित करना है कैसे उसकी सफाई करनी है ताकि जो वाटर लेवल है वो बराबर बना रहे पानी की कमी ना हो ठीक है बच्चों तो एक स्टोरी थी कि कैसे हमारे आ, और स्टोरी नहीं है ये रियलिटी है कि हमारे किस तरह से हमारी जो पॉन्ड्स हैं लेक हैं वो गायब हो रहे हैं ठीक है तो अगर आप भी देखो देखोगे बच्चों अगर आप उस एरिया में हो जहाँ पे पॉन्ड और लेक हुआ करते थे और कोशिश करिए अगर ऐसी चीज़ें आप देखते हैं तो उन्हें साफ़ सफ़ाई की जिम्मेदारी लें और ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता है इस काम के लिए एक यूनिटी चाहिए और यूनिटी होगी तो हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं ओके okay? तो मिलते हैं फिर इसके इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फिर मिलेंगे